नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दयाचंद डीसी पिक्टिक चैनल से। आजकल हम वीक पॉइंट को लेकर ही बात कर रहे हैं और हर किसी के शरीर में कोई ना कोई वीक पॉइंट है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं आर्म्स को लेके ज़्यादा हुए हैं कि यार हमारा आर्म्स अच्छा नहीं है, उसको अच्छा कैसे करें। पीछे मैंने आपको बाइसेप्स के बारे में बताया था कि बाइसेप्स की लेंथ को हम कैसे बड़ा करें, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज है, क्या वर्कआउट है, शेड्यूल है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम ट्राइसेप्स को लेके बात करेंगे, क्यों हमारी बॉडी में ट्राइसेप्स एक ऐसा पार्ट है जो कि आर्म्स को बहुत ही सुंदर दिखाने में ट्राइसेप्स का पूरा रोल है। अगर आपका बाइसेप्स कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही मस्कुलर हो, अगर आपका ट्राइसेप्स नहीं है या वीक है तो आपका बाइसेप्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब लोअर ट्राइसेप्स क्या है, बहुत से बच्चों का लोअर ट्राइसेप्स बहुत ही वीक होता है, क्यों ऊपर ही चढ़ा होता है, वो नीचे तक नहीं होता, राउंड में नहीं होता। उसको नीचे तक राउंड में लाने के लिए क्या वर्कआउट करना है और क्या ना करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मेरा ट्राइसेप्स है, मुझे अच्छा लगता है अपना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्यों मेरा नीचे तक है पूरा। अब इसको लाने के लिए मैंने कितना वर्कआउट क्या किया है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे गुरुजी ने हमें कराया है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज कुछ बताने वाला हूँ। मरीज आओ जरा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको वर्कआउट करना है, क्या क्या करना है ट्राइसेप्स की अच्छा सुंदर देखने के लिए। ये है पुल्ली एक्सटेंशन, इसको कैसे करना है आप तो सिंपल ही करते हैं, लेकिन ये बेंच रखना आगे। मरीज जरा करके दिखाओ, इसकी मूवमेंट देखिए आप जरा, घुटने टिकाने, ठीक है, थोड़ा पीछे, और यहाँ ट्राइसेप्स को आपने यहाँ टिकाना है, ठीक है, और फिर आपको पूरा खोलना, चलो ये यस ऐसे, ये यस, ये मूवमेंट होगी ट्राइसेप्स की, ठीक है, रिलैक्स। ये पुल्ली एक्सटेंशन आपने ऐसे करनी है। हाँ, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, इसका लोअर ट्राइसेप्स ऊपर चढ़ा हुआ है, ये पुल्ली होगी रोप से, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे क्या है आपका ट्राइसेप्स और ऊपर जाएगा तो और ऊपर चढ़ेगा। उसको काटना नहीं है, काटने की वजह उसको राउंड में लाना है। तो ये पुल्ली पुश डाउन रोप से, रोड से, डंबल किक बैक, ये एक्सरसाइज ना करें। जितनी भी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा वही करें, और मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आइए जरा, ये क्लोज ग्रिप, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है, जो आपने कैसे कर ली, मनी सुधर से करो इसको, टांग उधर करके ताकि ये दिखे सबको। ये क्लोज ग्रिप बेंच है, इसमें कैसे करना है देखिए, आप ये ग्रिप दिखाओ जरा इनको, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसको मिला लो, वैसे थोड़ा मिलाओ और पास ला सकते हैं। इसमें बैलेंस को बना के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो थोड़ा पीछे से दिखाओ, यस पूरा सीधा जाएगा इसमें, ये ठीक है, ये है, ये मूवमेंट होगी इसकी, यस ये इसके, रिलैक्स, छोड़ो खड़े हो जाओ। ये क्लोज ग्रिप आपने इस तरीके से करनी है, क्यों इससे ही आपका ट्राइसेप्स की राउंड आएगा, राउंड के लिए। और इसके बाद आप लाइन ट्राइसेप्स करनी है आपने, सही है, लाइन ट्राइसेप्स से रिलेटेड आप बोला था, लाइन ट्राइसेप्स करनी है आपने, इसकी जो मूवमेंट है वो देख लीजिए आप, आगे थोड़ा आगे हो जाओ या मुंह इधर करो, ये लाइन ट्राइसेप्स है, चलिए यस, थोड़ा नीचे लाओ, उधर से दिखाओ, यस यस। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपने,
कोनी आपकी यहीं रहेंगी, आगे नहीं जानी चाहिए कोनी, पीछे रहेगी और ये स्लो स्लो, माथे पे नहीं आना चाहिए इसकी, सर के पीछे आनी चाहिए रोड, ठीक है। और उसको होल्ड करना है फिर नीचे लाना है, होल्ड करना है फिर लाना है, छोड़ दी। फुल्ली एक्सटेंशन होगी आपकी विद बेंच के साथ, ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस होगी, ये लाइन प्रेस सबसे। अब डंबल एक्सटेंशन जो आपने करनी है, दिखाओ जरा करके, बैठो इधर बैठ जाओ। ये डंबल एक्सटेंशन, ये इसे पूरा स्ट्रेच करना है इसको, ये उसको ऊपर ले जाके होल्ड करना है, ठीक है। यस बस रिलैक्स। ये आपकी चौथी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको करना है वन आर्म ट्राइसेप्स। वन आर्म ट्राइसेप्स में करिए आप ये वन आर्म ट्राइसेप्स, इधर आओ, इधर से दिखाओ उनको, इधर यस यस, ये है वन आर्म ट्राइसेप्स, इधर से यस, ये मूवमेंट का पूरा ध्यान रखना आपने, ये रिलैक्स। वन आर्म ट्राइसेप्स को आपने कैसे करना है, वन आर्म ट्राइसेप्स को आपने जो है कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक भी आप इसको कंटिन्यू करनी है आपने, ये इसमें बिल्कुल गैप नहीं देना, क्यों ट्राइसेप्स आपका इसी से आएगा, मेन एक्सरसाइज समझ ले आप यही है। बाकी आपने जो पुल्ली एक्सटेंशन की है 20 से 25 रैप लेने हैं आपने उसके, लाइट वेट से रेपिटेशन, ठीक है। क्लोज ग्रिप के भी आपने वही 20 से 25 रेपिटेशन, उसके बाद लाइन ट्राइसेप्स है उसके 20 से 25 रेपिटेशन, इसके तो आपने फिर टाइम ही नहीं गिनना। डंबल एक्सटेंशन है उसका भी ऐसे ही करना है, जितने आप रेपिटेशन मारेंगे उतना आपके ट्राइसेप्स में चेंज आएगा। और पुल्ली पुश डाउन, रोप पुश डाउन, डंबल किक बैक ये बिल्कुल ना करें। अगर आप ये वर्कआउट करते हैं तो आपका ट्राइसेप्स इससे कटना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं आएगा। नीचे लाने के लिए आपको यही करना है, बाकी और जो भी शरीर में आपकी कमी पेशी है जो आ रही है मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।